असलम एवरी वन हाउ आर यू ऑल आई होप एवरी वन ऑफ़ यूज माइंड आई हेयर विद अनादर लेक्चर दैट इज़ लेक्चर नंबर नाइन फॉर क्लास नाइन्थ जिसमें हम लोग यूनिट नंबर वन इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं और अपने प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अबाउट द वेरियस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हम लोगों ने अटोमिकस अटोमिकेवल को देखा सेलुलर मोलिकुलर लेवल को देखा ऑर्गेनली और सेलुलर लेवल में देखा और टिश्यू लेवल में स्टडी किया था जब हम लोग बात करते हैं इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी तो ऑफ़कोर्स हम लोग यहाँ पे बायोलॉजी की बेसिस के बारे में स्टडी कर रहे हैं जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बायोलॉजी क्या है इट इज़ द स्टडी ऑफ़ लिविंग ऑर्गेनिज्म, या फिर आप कह सकते हैं साइंटिफिक स्टडी ऑफ़ लिविंग ऑर्गेनिज्म या लाइफ तो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स जो हैं हम अगर अपने अर्थ पे देखते हैं तो दे देर आर वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज़म्स उनके अंदर वेरियस डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उनके अंदर डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी हैं वो तो हम लोग इसीलिए बेसिस से जब स्टार्ट करते हैं तो हमने ये देखना है कि कौन से uh, किस तरह के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो सकती हैं जो डिफरेंट ऑर्गेनिज़म्स के अंदर प्रेजेंट हो सकती हैं अब बात करते हैं अगर वेराइटीज़ ऑफ़ लिविंग ऑर्गेनिज़म्स की तो सम ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेलुलर जो सिर्फ़ एक सेल पे कंपोज होती हैं फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया वायरस एक्सेट्रा इसी तरह बहुत सारी ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं जो मल्टी सेलुलर हैं यानी कि एक से ज़्यादा मुख्तफ़ किस्म के सेल्स के ऊपर मुबनी होती हैं वो जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स हैं प्लांट्स हैं तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स हैं वो काफ़ी सिंपल हैं जबकि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म्स हैं उनके अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज़ वेरी करती हैं सम ऑर्गेनिज़म्स दैट आर मल्टी सेलुलर वो काफ़ी uh, हद तक सिंपल uh, होंगे जैसे कि हाइड्रा है ये एक एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है और अगर हम लोग दूसरी तरफ बात करते हैं ह्यूमन बींग्स की अपने आप की तो हम लोग बहुत कॉम्प्लेक्स हैं हमारे अंदर डिफरेंट सिस्टम्स हैं जो कि मिल के पूरे हमारे ऑर्गेनिज़म को बनाते हैं हमें पूरा बनाते हैं तो अब हम लोग इसी तरह से देख रहे हैं कि किन के कि ये क्या डिफरेंट सिस्टम्स हैं जो कि सारे मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं हम लोग आज के टॉपिक में बात कर रहे हैं अबाउट द ऑर्गैन एंड ऑर्गैन सिस्टम लेवल ये ऑर्गैन और ऑर्गैन सिस्टम लेवल जो है इट इज़ प्रेजेंट इन द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जितने ज़्यादा आप कॉम्प्लेक्सिटीज की तरफ आएंगे उतने ही हमारी बॉडी के अंदर उतना ही ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर आपको ऑर्गैनस डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गैन और ऑर्गैन सिस्टम मिलेंगे और जितना ज़्यादा आप लोअर लेवल पर या सिम्पलर लेवल पे जाएँ तो ऑर्गेन्स स्पेसिफिक ऑर्गैनस जो हैं वो मिसिंग होते हैं ओवरऑल पूरी बॉडी अपना फंक्शन कर रही होती है वैन वी टॉक अबाउट द हायर मल्टी सेलोर ऑर्गेनिज्म Then, uh, उनके अंदर जो है मुख्तलिफ ऑर्गैन प्रेजेंट होंगे जो कि अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन कैरी आउट करते हैं हमने अपने प्रीवियस uh, वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अबाउट द टिशू लेवल टिशू क्या था कि जब बहुत सारे सेल्स एक दूसरे के साथ मिलके ऐसे सेल जो एक जैसा फंक्शन कर रहे हैं वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो दे फॉर्म द टिशू अब टिश्यू क्या है अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन इसी तरह वो टिशू जो एक मकसद का एक जैसा काम कर रहे हैं एक मकसद के लिए काम कर रहे हैं उनको हम लोग कहते हैं दोज आर और जब बहुत सारे ऑर्गैन एक स्पेसिफिक फंक्शन को कैरी आउट करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं दैट इज़ ऑर्गेन सिस्टम तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से जो वेरिएशन हैं जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं वो स्टेप बाई स्टेप इंक्रीज होती चली जा रही हैं दिस कैन बी इजीली सीन इन द हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक एनिमल्स प्लांट्स ह्यूमन बींग्स तो इनके अंदर मोर देन वन टाइप ऑफ टिशू जो कि जिसका रिलेटेड फंक्शन है दे आर ऑर्गेनाइज टुगेदर एंड द मेक अ यूनिट जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्गैन यानी कि टिश्यू ज़रूरी जैसे हमने कहा कि वो सारे सेल जो एक जैसा फंक्शन करते हैं वो एक न, उन ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग टिशू कहेंगे लेकिन जब वो टिशू जो एक ख़ास मकसद के लिए काम करें लेकिन उनका फंक्शन एक दूसरे से डिफरेंट हो सकता है पर एंडिंग रिजल्ट उनका सेम हो तो उसको हम लोग कहेंगे वो ग्रुप ऑफ़ टिश्यू को हम लोग कहते हैं ऑर्गेन्स सिमिलरली जब बहुत सारे ऑर्गेन्स जो डिफरेंट टाइप्स के हैं डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं बट उनका एंडिंग रिज़ल्ट एक है तो उनको हम लोग कहते हैं दोज आर द दर्गेन सिस्टम्स तो डिफरेंट टिश्यूज़ ऑफ एन ऑर्गैन दे परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन और ये फंक्शन जो है कलेक्टिवली दे विल बिकम द फंक्शन ऑफ दैट ऑर्गैन अब मैं आपको सिंपल से एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे मुझे पता है कंफ्यूजन होगी कि कैसे टिश्यूज़ जिनका डिफरेंट फंक्शन होगा बट वो एक ऑर्गैन में कैसे बनते हैं सिंपल सी एग्जांपल है स्टमक है स्टमक इज़ एन ऑर्गैन दैट इज़ प्रेजेंट इन अवर बॉडी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में है आप लोगों को आइडिया होगा स्टमक किस लिए है फॉर द पर्पज ऑफ डाइजेशन डाइजेशन के लिए ये हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है डाइजेस्टिव सिस्टम में अब अगर हम लोग देखते हैं इसके अंदर टिश्यूज तो देर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ टिश्यूज दैट आर प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक स्टमक दो मेजर टाइप ऑफ टिश्यू से मिल के बना हुआ है यानी कि अगर आप ऑर्गैन स्टमक uh, को स्टडी करेंगे तो उसके अंदर से आपको टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ के बारे में स्टडी करने को मिलेगा द फर्स्ट वन इज़ द एपिथीलियल टिश्यू जिसे हम लोग ग्लैंडुलर टिशू भी कहते हैं एपिथेलियल टिशू या फिर ग्लैंडुलर टिशू वो टिशू है जो कि सिक्रियट करता है गैस्ट्रिक जूस को और वो गैस्ट्रिक जूस आगे चल के बनाए डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन्स को तो यहाँ पे हमारे पास टिशू कौन सा है एपिथेलियल टिशू या फिर इसे आप ग्लैंडुलर टिशू भी कहते हैं जो कि सिक्रीशन और सिक्रीशन गैस्ट्रिक जूस को सिक्रियट करता है फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन ये एक हो गया एक टिश्यू नंबर वन इस ऑर्गेन जो है वो ग्रुप ऑफ टिश्यू से बना हुआ है तो पहला टिश्यू हो गया ऑर्गेन स्टमक में एपिथीलियल टिशू जो सेकेंड हमारे पास टिश्यू है दैट इज मस्कुलर टिशू ये ऑर्गेन स्टमक uh, को मिलके ये दोनों टिश्यूज़ बनाते हैं तो मस्कुलर टिश्यू का क्या काम है अब क्यों ये स्टमक uh, में होना ज़रूरी है बिकॉज इट परफॉर्म्स द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्टमक वॉल्स ये जो स्टमक की वॉल्स हैं ये मस्कुलर टिश्यूज़ उनको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि वॉल्स की मूवमेंट की वजह से जो खाना जो खुराक स्टमक के अंदर होगी जिसकी डाइजेशन होनी है बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्टमक वॉल्स जो ग्राइंडिंग ऑफ फ़ूड पॉसिबल होगी इसके अलावा जब फूड के एक दफ़ा डाइजेशन कम्प्लीट हो गई लगातार मिक्सिंग हो रही है फूड की जूस के साथ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है अच्छे तरीके से या एफिशिएंटली प्रोटीन जितनी भी है फूड के अंदर वो अच्छे तरीके से गैस्ट्रिक जूस से डाइजेस्ट हो जाए उसके बाद मस्कुलर टिश्यू जो हैं दे विल पुश द फूड टू द पोस्टीरियर एंड यानी कि स्टमक के अगले एंड तक ले जाएंगे अब यहाँ पे आप देखते हैं कि एक जो स्टमक है इज़ एन गैन ये दो मुख्तफ टाइप ऑफ टिश्यूज से बना हुआ है एपीथीलियल टिश्यू एंड मस्कुलर टिशू दोनों का फंक्शन एक दूसरे से डिफरेंट है इनको हम ग्लैंडुलर टिशू भी कहते हैं क्योंकि ये सिक्रीशन करता है स्टमक के अंदर जो एपीथीलियल टिश्यू सिक्रीट कर सिक्रीशन करते हैं उनको हम लोग गैस्ट्रिक जूस का नाम देते हैं दूसरा हमारे पास टिशू है मस्कुलर टिशू जो कि ग्राइंडिंग ऑफ फूड और मूवमेंट ऑफ़ फूड टू द पोस्टीरियर एंड इनके लिए काम करता है ये इनके अगर हम लोग सेपरेट फंक्शन देखते हैं बट ओवरऑल जब हम इनका फंक्शन देखते हैं स्टमक ऑर्गेन का फंक्शन देखते हैं तो उसमें क्या है कि फ़ूड को अच्छे तरीके से उसके अंदर जितने भी प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करें और फ़ूड को अगले ऑर्गेन में पास कर दें तो इस स्टमक ऑर्गेन के लिए प्रॉपरली वर्क करने के लिए दोनों टिश्यूज़ का होना ज़रूरी है दोनों टिश्यूज़ का वर्क करना एक दूसरे के साथ ज़रूरी है अगर एपिथेलियल टिश्यू मिस है यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा तो ऑब्वियसली गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन नहीं होगी जब गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन नहीं हो रही इसका मतलब कि खाने के अंदर जो प्रोटीन है वो डाइजेस्ट नहीं होगी स्टमक का जो फंक्शन था डाइजेशन ऑफ प्रोटीन या डाइजेशन ऑफ फूड वो प्रॉपर ख़त्म नहीं हो, हो सकेगा दूसरी तरफ अगर एपिथीलियल टिश्यू काम कर रहे हैं और मस्कुलर टिश्यू काम नहीं करते तो यहां पे भी सेम प्रॉब्लम कि गैस्ट्रिक जूस तो प्रोड्यूस हुआ फ़ूड के साथ वो फूड के ऊपर पोर किया पर मस्कुलर टिश्यू की एक्टिविटी मिस होने की वजह से फ़ूड प्रॉपरली मिक्स नहीं हो पाएगा गैस्ट्रिक जूस के साथ प्रॉपर डाइजेशन एफिशिएंट डाइजेशन नहीं हो पाएगी और वंस जितनी भी डाइजेशन हुई है वो कंप्लीट हुई है तो फ़ूड मस्कुलर टिश्यूज़ की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से पोस्टीरियर एंड पे जाता है स्टमक के और अगर मस्कुलर टिश्यूज़ प्रेजेंट नहीं है तो फूड पोस्टीरियर एंड तक पहुँच नहीं सकेगा तो इसका मतलब ये है कि स्टमक के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इन दोनों टिश्यूज़ का प्रॉपर फंक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये बात होगी एक ऑर्गेन की यानी कि द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर हेडिंग दैट इज़ organ. अब हम लोग बात करते हैं आगे ऑर्गेन सिस्टम जिस तरह से हमने देखा था कि सेल्स मिलके टिश्यूज़ बनाते हैं टिश्यूज़ एक दूसरे से डिफरेंट हो लेकिन जब एक स्पेसिफ़िक काम के लिए मिलके काम करते हैं उसको हम लोग कहते हैं उस ग्रुप को ऑर्गैन अब इसी तरह जब बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गैन्स सेम पर्पस के लिए वर्क कर रहे हैं उन ऑर्गैन्स का फंक्शन भी एक दूसरे से डिफरेंट होगा पर कलेक्टिव रिजल्ट उनका सेम होगा तो उस जब वो ग्रुप ऑफ ऑर्गैन्स को हम लोग कहेंगे कि दे आर कॉल्ड लेस ऑर्गेन सिस्टम्स सो लेट अस सी अबाउट देम विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स अब हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट द ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑर्गेन सिस्टम लेवल भी हम लोगों ने अपने माइंड में रखना है कि ये हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म्स के अंदर प्रेजेंट होता है लोअर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म जैसे कि हाइड्रा हैं इनके अंदर ये चीज़ें प्रेजेंट नहीं होती हैं वो बहुत सिंपल हैं उनके अंदर डिफरेंट uh, uh, जो जॉब्स हैं वो सेम उनकी बॉडी के पार्ट्स ही करते हैं परफॉर्म तो जितनी जितनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ इंक्रीज़ होती जाएंगी ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने वो हायर लेवल पे होंगे उतने ही उनके अंदर ये वेरिएशन आती हैं उनके अंदर ये कॉम्प्लेक्सिटीज़ आती हैं सो so, जब वन द डिफरेंट ऑर्गैन्स आर परफॉर्मिंग रिलेटेड फंक्शन जब डिफरेंट ऑर्गैन्स एक जैसे फंक्शन के लिए काम करते हैं तो उन ऑर्गैनस को ऐसे ऑर्गेनाइज किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेन सिस्टम सो ऑर्गैन जब एक जैसा जब डिफरेंट ऑर्गैनस अपना अपना फंक्शन करेंगे बट उनका जो पर्पस है वो सेम होगा तो उस सिस्टम को जो कलेक्टिव ऑर्गेनस हैं उनको हम लोग कहेंगे दैट इज़ ऑर्गैन सिस्टम इन एन ऑर्गेन सिस्टम एवरी ऑर्गैन कैरीज आउट इट्स ऑन स्पेसिफिक फंक्शन ऑर्गैन सिस्टम जो है जैसे कि हम लोग बात कर लेंगे आगे चल के मज़ीद डिटेल में बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारे पास रेस्पायरेटरी सिस्टम है एक्सक्रीटरी सिस्टम है सर्क्यूलेटरी सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गैन सिस्टम्स प्रेजेंट हैं तो हम लोग इनमें से किसी भी ऑर्गैन सिस्टम के ऊपर देख लें तो उसमें हर जो ऑर्गैन है उसका अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा जो वो कैरी आउट करेगा और उसका फंक्शन कैरी आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर द पर्पज़ ऑफ कलेक्टिव रिजल्ट जब हर ऑर्गेन कैरी आउट करेगा फंक्शन को तभी एक कलेक्टिव रिजल्ट हमको मिलता है हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले एक ऑर्गैन सिस्टम दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम जिसकी भी हमने प्रीवियस भी एग्जाम्पल ली जिसमें हम लोगों ने स्टमक के बारे में पढ़ा था स्टमक वॉज वन ऑफ द ऑर्गेन ऑफ दर्गैन सिस्टम डायजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये एक ऐसा ऑर्गैन सिस्टम है दैट इज़ कैरे दैट इज़ कैरेड आउट फॉर द पर्पज़ ऑफ डाइजेसन जो भी फ़ूड लिया उसकी डाइजेशन के लिए जो सारे ऑर्गेन्स मिलके काम करेंगे उन पूरे ऑर्गैन्स को हम लोग ऑर्गेन सिस्टम कहेंगे या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम कहेंगे अब डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास कौन से ऑर्गेन्स हैं जो मेनली एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं दे आर फर्स्ट ऑफ ऑल औरल कैविटी यानी कि हमारा मुँह जहाँ पे हमारे पास टंग है यहाँ पे सिलिवरी ग्लैंड्स हैं हमारे टीथ हैं जो कि मिलके ग्राइंडिंग कर रहे हैं क्रशिंग कर रहे हैं और कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन कर रहे हैं उसके बाद है स्टमक स्टमक का हमने देखा प्रोटीन के लिए गैस्ट्रिक जूस को रिलीज किया जाता है फूड के ऊपर और उसकी क्रशिंग और ग्राइंडिंग की जाती है स्टमक के बाद फूड पास होता है आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन में भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स वाटर वगैरह एब्जॉर्ब करके विलय के जरिए पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में लेके जाया जाता है स्मॉल इंटस्टाइन के बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है ऑर्गैन दैट इज़ लार्ज इंटस्टाइन लार्ज इंटस्टाइन भी वाटर के एब्जॉर्बशन के लिए और बाकी वेस्ट मटेरियल को आगे पास करने के लिए यूज़ होता है इसके अलावा हमारे पास है लिवर है लिवर में वायल्सिक्रीशन वगैरह हैं इसके अलावा हमारे पास पेनक्रियाज हैं यह भी एक इंपॉर्टेंट ऑर्गैन है डाइजेस्टिव सिस्टम का तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि वी हैव अ नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्गैनस जो कि मिल के काम करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन में से एक भी ऑर्गैन अगर प्रॉपर्ली uh, फंक्शन नहीं करता तो उसकी वजह से पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा तो हमारे पास डिफरेंट ऑर्गैनस हैं हर एक का अपना अपना फंक्शन है लेकिन कलेक्टिवली जब इनके रिज़ल्ट को देखते हैं तो पर्पज़ क्या बनता है डाइजेशन ऑफ फूड तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इसी तरह अगर हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर ब्रीथिंग सिस्टम को देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे पास दो चीज़ें हैं वन इज़ द एयर पैसेज में एंड अदर इज़ लंग्स तो वहाँ पे ऑर्गेन्स हैं हमारे पास लंग्स हैं उसके अलावा हमारे पास फेरिंग्स लेरिंग्स है ट्रैकिया है ब्रोंकाए ब्रोंकी्योल्स हैं एल्वियोलाए हैं ये सब मिल के एक ही पर्पज़ के लिए काम कर रहे हैं दैट इज़ फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन द ह्यूमन बींग्स एंड बिटवीन द एयर तो उन सब का मेन पर्पस सेम है लेकिन फंक्शन सब अपना अपना कर रहे हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एज द रेस्परेटरी सिस्टम तो यहाँ पे ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इन ऑर्गेन सिस्टम्स की जिनकी मदद से हम लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से इनके अंदर वेरिएशंस हैं ऑर्गेन्स अपना अपना काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी उनका कलेक्टिव रिज़ल्ट जो है वो सेम रहता है जो ऑर्गैन सिस्टम की अगर बात करते हैं प्लांट्स के अंदर ये हम लोग देख सकते हैं ह्यूमन बींगस के अंदर या डिफरेंट एनिमल्स के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं प्लान्स के अंदर तो प्लान्स के अंदर जो ऑर्गैन सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा लेस कॉम्प्लेक्स है एज़ कम्पेयर टू द एनिमल्स जैसे कि उनके अंदर सिंपल सिस्टम है रूट सिस्टम फिर है शूट सिस्टम ये वो सिंपल है उनके अंदर कुछ बहुत ज़्यादा ऑर्गेन इन्वॉल्व नहीं है उनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ नहीं है जिस तरह के हम लोगों को ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स में देखने को मिलती है ऐसा क्यों है वाई प्लांट्स भी हाईली कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और एनिमल्स भी हाईली कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं बट वाई हैव लेस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेन सिस्टम लेवल एज़ कम्पेयर टू अस वी कैन से बिकॉज एनिमल्स के अंदर फंक्शन बहुत ज़्यादा है एनिमल्स के अंदर वाइड रेंज ऑफ फंक्शन है जो कि उनको कैरी आउट करने होते हैं एज कंपेयर टू प्लान्स एनिमल्स के अंदर वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ हैं जो उनको कैरी करनी है एज़ कम्पेयर टू प्लान्टैट इज़ वाई और एनिमल्स के अंदर ये जो ऑर्गेन सिस्टम लेवल है ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा एज कम्पेयर टू दी प्लान्स तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ऑर्गैन एंड ऑर्गैन सिस्टम लेवल तो उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई हो अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन डिस्कस विद मी इन द कमेंट सेक्शन आई एम हैव टू हेल्प यू आउट एंड सी यू सोन इन माई नेक्स्ट वीडियो टिल देन अल्लाह हाफि